तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5 AM, क्योंकि आज मेरा रेडियो में ड्यूटी है तो मुझे जल्दी उठना पड़ा। एंड एज़ यूज़ुअल मुझे बहुत भूख लग रही थी, इसलिए मैंने कुछ मैगी लिए और उसके साथ मीमी मुझे मिक्स करके खाने में बड़ा मज़ा आता है। इसी के साथ साथ जब मैंने बाहर देखा तो द व्यू वॉज़ वेरी प्लीजिंग, यू नो कितना सुंदर लग रहा था, आप देखिएगा। उसके बाद आई हैड माई मैगी, उसके बाद आई गेव सम टाइम टू माई सेल्फ, जिसे आप देख सकते हैं। आफ्टर विच आई गोट रेडी एंड हैड माई एक्चुअल ब्रेकफास्ट, जो कि ठंडा हो गया था, बट स्टिल मैंने घी के साथ गर्म किया और मैंने खा लिया था। उसके बाद क्या मैं चल पड़ी ड्यूटी के ओर, एंड दीदी ने बोला क्योंकि आज बारिश थोड़ा भी देर है, चलो लेट मी ड्रॉप यू, एंड हियर वी रीच आवर डेस्टिनेशन। और मैं चलते हुए आकाशवाणी ईटानगर की ओर। इसके बाद हमने शुरू करी हमारी रिकॉर्डिंग्स। दिस रिकॉर्डिंग वॉज वेरी इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये जो रिकॉर्डिंग है, ये जो टॉपिक हमने आज बात की है, इट वॉज़ अबाउट द ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। तो सो यू नो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज यू टू लिसन टू द रेडियो ऑफ दिस कन्वर्सेशन, क्योंकि बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन है एंड especially when we talk about radio, आपको सुनना ज़रूरी भी है, especially to the students, to the youngsters, क्योंकि रेडियो में आपको बहुत सारा अलग अलग प्रोग्राम्स सुनने को मिलेगा, जैसे कि कृषि विज्ञान, where you will know about the knowledge of agriculture, and on a special day we are having an expert, you know, conversation with the experts on this special topic, and with all this entertainment, of course, जिसमें आपको गाना सुनने को मिलेगा, एंड उसमें आपको रेडियो में आपका होता क्या है कि लाइव भी चलता है, तो उसमें यू कैन यू नो सेंड योर स्पेशल सॉन्ग्स एंड आस्क द आरजी टू प्ले ऑन दैट योर रिक्वेस्टेड सॉन्ग। तो ऐसा करके यू कैन गेट यू नो टच विद द रेडियो। एंड अबव विद ऑल दिस द वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द रेडियो इज दैट यू विल गेट टू लिसन टू द न्यूज़ from different dialect of Arunachal and Hindi and English news, obviously. So I would like you all, you know, to listen to the radio, FM 103.1 hertz. It will help you. No, we are getting it. But, you know, when you do nab somebody who is a drug user, and here I hate to use actually the nab, but, you know, what are the options there? How do we normalize a person addicted with a drug? Actually, after the post-COVID-19 pandemic, it has become a buzzword. So I want to understand the vicious cycle behind the anxiety, the depression, you know, leading to use of the drug and then leading back again to the mental health concern. What is the role of the drug in this vicious cycle, sir? I just want to know from you. And here I'm home. माई आईज़ वॉज यू नो लिटरली फीलिंग सो टायर्ड, इसीलिए मैं थोड़ी मसाज कर रही थी। एनी वेज थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस माई फर्स्ट एवर मिनी ब्लॉग, आई होप यू ऑल लाइक इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।